पहले आर्टिकल लिखने का एक तरीका क्या है ये जानिए आप। आर्टिकल यानी होता है लेख, ठीक है। इसको हमने डिटेल बताया भी था एक दिन कि लेख जो है वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और ऑटोबायोग्राफिकल। कौन कौन? डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और ऑटोबायोग्राफिकल। अब जैसे यहाँ आपके सामने आया है, कौन सा टॉपिक है ये? साइंस, इट्स यूजेज एंड एब्यूजेज, इसके बारे में लिखना है। आर्टिकल आप तब तक अच्छे से नहीं लिख सकते जब तक आप कुछ आर्टिकल पढ़े न हों, लोगों की बात सुने न हों, या कुछ चीज़ों से, टॉपिक से रिलेटेड आप बात न किए हों। या अभी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं इसलिए आपके पास मैटर अभी सीमित है। जब आप ढेर सारा काम कर लेते हैं या ढेर सारे लोगों के कनेक्शन में हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपके पास क्या होता है? मैटर होता है। और जब मैटर होता है तब आप किसी कोई भी टॉपिक, जैसे यहाँ साइंस आया है, इसके अलावा और भी तो टॉपिक हैं, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, टेररिज्म है, डाउरी एक्ट है, दिवाली पर लिखने के लिए आ जाएगा, होली पर, एनी फेस्टिवल हो गया, ठीक है, ये सब टॉपिक हैं आपके लिखने के लिए आएंगे परीक्षा में। तो अब कैसे लिखेंगे? जैसे हो सकता है ये आ जाए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, आप स्वतंत्रता जो विद्यालय में मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, वो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन करिए। तो उसका क्या करना पड़ेगा? तो कहने का मतलब हुआ कि जब तक आप, जैसे आप कहीं 15 अगस्त में शामिल हुए होंगे तब तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या क्या होता है। और यदि आप कभी शामिल नहीं हुए हैं तो क्या जानेंगे? वैसे ही साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, उसको हम कैसे जानेंगे? तो वैसे हालांकि आप सब्जेक्ट के रूप में साइंस पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें आपको जो है पता है। लेकिन अब साइंस यहाँ यूजेज एंड एबीजेज, साइंस की बात क्या हो रही है यहाँ? इन्वेंशंस या विज्ञान के द्वारा किए गए आविष्कारों की बात हो रही है कि विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, उसके प्रयोग और दुरुपयोग बताइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो साइंस है क्या, पहले ये समझे। तो साइंस क्या है, मतलब विज्ञान कहते किसको है? तो किसी भी चीज के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये आपको पता है। अब किसी भी चीज का, यानी जो भी बात, जैसे हम यहां आर्टिकल ही लिखने वाले हैं, ये भी एक क्या है? साइंस है। साइंटिफिकली हम कैसे लिख सकते हैं? क्रमबद्ध ढंग से, जब हम सिस्टमेटिक करते हैं। जैसे किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए आपको कम से कम तीन पार्ट में इसको बांट लेना चाहिए। पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा डिस्क्रिप्शन और तीसरा होगा कंक्लूजन। बात समझ में आ रही ना? नोट करने वाली बात आप नोट भी कर सकते हैं कि पहला क्या होगा? इंट्रोडक्शन, आपको क्या करना है? पहले प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन को क्या कहते हैं? प्रस्तावना या परिचय। तो इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, और तीसरे नंबर पर कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? किसी चीज का परिचय करवाइए। और डिस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी चीज का, अब उसका वर्णन, वर्णन में क्या करना है? तो वर्णन आपका बड़ा हो सकता है, वर्णन में उसके जो है अच्छाइयां, बुराइयां, विशेषताएं, उनसे हानियां ना, सब लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। और इंट्रोडक्शन में क्या है? उसके बारे में, ये क्या है, कैसे आया, विज्ञान क्या है। जैसे अब आ गया साइंस, यूजेज एंड एब्यूजेज, तो पहले हम विज्ञान का परिचय देंगे ना, प्रस्तावना देंगे ना, तो पहले प्रस्तावना देना है। प्रस्तावना में क्या करना चाहिए? यदि आपके पास कोई कोटेशन हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए। कोई भी कोटेशन जो इससे रिलेटेड होता है उसको आपको, जैसे अब विज्ञान की का एक बढ़िया कोटेशन ये है, विज्ञान क्या है, आविष्कार क्या होते हैं? तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या भाई? विज्ञान से आविष्कार कब, विज्ञान का आविष्कार या विज्ञान के द्वारा किए गए आविष्कार कब होते हैं? जब हम, अब वो मनुष्य जीवन की आवश्यकता होती है तो उस पर वर्क करना शुरू हो जाता है। यानी कोई भी आविष्कार तभी आता है जब उसकी आवश्यकता होती है। जैसे बल्ब आया, रोशनी की आवश्यकता थी, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ। विद्युत बल्ब में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अधिक लगती थी, आवश्यकता है कि कम इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा रोशनी मिले। आविष्कार हो रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है,
इसका मतलब जब जब जैसी जैसी आवश्यकताएं होती हैं हमारे आविष्कार उसके अनुरूप होते चले जाते हैं। तो इसीलिए इसके लिए एक सूटेबल लाइन यही है क्या कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और भी क्या कोटेशंस डाल सकते हैं, तो साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। क्या साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, विज्ञान एक अच्छा नौकर हो सकता है लेकिन यदि हमने इसको मालिक बनाया तो यह बुरा बन सकता है। ये सब कोटेशंस हैं, इसको बाकायदे आप इंडिकेट करिए लिखते समय, इसको इंडिकेट करके बाकायदे इसको क्या करिए, हाईलाइट करके दिखाइए, एक लाइन में ऊपर ये, एक लाइन में ये डाल कर दीजिए एक विज्ञान के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं। अब विज्ञान मालिक के रूप में बुरा है और नौकर के रूप में अच्छा है, ये कब मालिक है और कब नौकर है इसके बारे में भी कोटेशन डाल सकते हैं कि जब हम बच्चे की तरह इसका प्रयोग करते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है। व्हेन वी यूज साइंस एज ए चाइल्ड इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव, जब हम बच्चे की तरह इसका प्रयोग करते हैं तो ये विनाशकारी हो जाता है, और व्हेन वी यूज इट एज ए मैच्योर पर्सन इट बिकम्स कंस्ट्रक्टिव। यही विज्ञान जब हम मैच्योरिटी के साथ इसका प्रयोग करते हैं, प्रौढ़ता के साथ करते हैं, तो ये विज्ञान हमारे लिए क्या बन जाता है, ये कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, निर्माणकारी हो जाता है। और जैसे ही हम बच्चों की भांति इसका प्रयोग करना, यानी इसका हम जानते ही नहीं है कि प्रयोग सही प्रयोग क्या है और हम उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। यानी किसी भी चीज़ को बुद्धिमानीपूर्ण ढंग से प्रयोग करने से वो कंस्ट्रक्टिव है, और बचकाने पूर्ण ढंग से यदि आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी हो जाता है। इसलिए द इन्वेंशंस ऑफ द साइंस, जितनी भी आविष्कार हैं विज्ञान के, जितने आविष्कार हैं उनका यदि हम बुद्धिमानीपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हैं तभी वो कंस्ट्रक्टिव हैं, अन्यथा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग करने से पहले हमको उसके सही प्रयोग जानना चाहिए। जैसे आजकल का एक लेटेस्ट ये भी बन सकता है, हो सकता है ये टॉपिक आपका आर्टिकल बन जाए, क्या मोबाइल फोन यूजेज एंड एब्यूजेस, इंटरनेट इट्स यूजेज एंड एब्यूजेस। मॉडल पेपर यदि आप देखेंगे तो उसमें ये है इंटरनेट के यूजेज एब्यूजेस, मतलब उसमें अच्छाई क्या है बुराई क्या है। इंटरनेट हमारे पास आ गया है या इंटरनेट से हम दुनिया की सारी चीज़ों को मुट्ठी में रखे हुए हैं, लेकिन वो उसके क्या है, उसके एक तरफ एक पहलू में यदि वो हम हमारे लिए अच्छा है तो दूसरी तरफ वो बुराइयों का कारण भी है। यदि हम इंटरनेट का प्रयोग अपने ज्ञान को ब्रॉड करने के लिए या अपना ज्ञान जो है नॉलेज इंक्रीज करने के लिए करते हैं तो दूसरी तरफ इसका प्रयोग आतंकवादी स्थान को ढूंढने के लिए कर लेता है कि कहाँ हमको जो है डिस्ट्रक्शन करना है। तो इसका यूज हो गया और एब्यूज हो गया। यूज कब हो गया, जब हम वाइजली इसका प्रयोग करेंगे। एब्यूज कब हो गया, जब हम इसका जो है फुलिसली प्रयोग करेंगे, मूर्खतापूर्ण ढंग से करते हैं। मोबाइल के बारे में अब चर्चा आ गई तो उसके बारे में भी थोड़ा जानते रहना चाहिए कि मोबाइल हमारे लिए कब जो है ये अच्छा है। तो मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, मोबाइल में इतने ऐप्स हैं, उन सारे ऐप्स का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल जिसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि उसको पढ़ने के पर्पस से यूज करना है, तो अपना यूज तय करें क्या कि हमको इसका प्रयोग केवल पढ़ने के लिए करना है। पता चला पढ़ने के अतिरिक्त गेम खेलने लगे, पढ़ने के अतिरिक्त कोई जो है सोशल मीडिया चलाने लगे, या कोई जो है अरे उसमें बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, खेले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स डेंजरस गेम्स हैं जिसके उसमें फंस के बच्चे आत्महत्या करते हैं, पता नहीं कितने, यानी कई तरह के। आप ये जानिए कि सोशल मीडिया पर जितने या हमारे मोबाइल में जितने ऐप्स हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं। कुछ लोग इसका प्रयोग क्या करते हैं, चीट करने के लिए करते हैं, भेज देंगे ये लिंक जो है
खोलिए और इतने रुपए जीतिए, लिंक खोलते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया, आपका डाटा चोरी हो गया, मतलब आपके पर्सनल डिटेल्स चोरी हो गए। तो अब देखो, एक तरफ यूज है कि आज हम घर बैठे अमेरिका की चीजों को देखते हैं या दुनिया के किसी देश की चीजों को हम सर्च कर लेते हैं। पहले पढ़ने के लिए जितना शिक्षक पढ़ाते थे उतना ही बच्चे पढ़ते थे, या उतनी ही इंफॉर्मेशन बच्चों को मिल पाती थी जितना कोई शिक्षक उनको दिया करते थे। आज क्या है, आज आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल पे सर्च करिए। शिक्षक नहीं भी हैं तो आप बैठ के अपने घर पे भी सर्च कर सकते हैं, कुछ चीज बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर लेते हैं। यानी आज जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए ढेर सारा जो है मटेरियल आपको मोबाइल में उपलब्ध है। तो इसका प्रयोग हम ज्ञान बढ़ाने के लिए करेंगे तो कितना फायदा हुआ भाई। जब हमारे समय की जब बातें थी तो हम लोग कोई भी ज्ञान लेने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए या तो किताब खरीदते या किसी सर टीचर्स के सानिध्य में जाते, मार्गदर्शन लेते। आज तो आपको YouTube पर ढेर सारे मार्गदर्शक उपलब्ध हैं। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव भी है। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द यूजर। ये जो प्रयोग करने वाला है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द यूजर दैट इट मेक्स कंस्ट्रक्टिव आर डिस्ट्रक्टिव। इसको निर्माणकारी बना रहा है अथवा विनाशकारी, उसके प्रयोग के आधार पर ही नौकर है या मालिक है। क्योंकि मालिक हो गया तो हम इसके अधीन हो गए। अब जैसे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, परेशान हैं आप कि नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क, अरे नेटवर्क नहीं है मतलब आप उसके अधीन हो गए। आप उसके अधीन नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पास तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं ना। तो हम उसके अधीन नहीं है, हमारे पास तो किताबें हैं, शिक्षक हैं, हमारे बहुत सीनियर्स हैं, तो हम अपने ज्ञान को कई जगह से इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप टोटली डिपेंड हो जाएंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो आप क्या होंगे? फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। जो लोग इसके नशेड़ी होते हैं ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो अपना काम सही ढंग से कर नहीं पाते, तब वो उसी के पीछे लगे रहेंगे, मोबाइल को ही देखना, मोबाइल के पीछे लगे रहना, ऐसा भी उचित नहीं है। वो एकदम क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक। आप टाइम सेट कर लीजिए, मोबाइल से पढ़ते भी हैं या मोबाइल का यूज़ करते हैं तो आपको मोबाइल का प्रयोग करने के लिए अपने को बाउंड करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पढ़ने आते हैं तो एक घंटे के लिए बाउंड हो गए कि नहीं हो गए, तो वैसे ही आप अपने मोबाइल को भी क्या करिए, इतने समय से इतने समय के लिए बाउंड। सिस्टमेटिकली यदि आप उसका यूज़ करते हैं तो बेनिफिशियल है। यदि आपने उसका जो है बिना सिस्टम के प्रयोग करना शुरू कर दिया तो वो निश्चित है कि आपको उसकी लत लग जाएगी। जैसे नशेड़ी होते हैं वैसे ही आपको मोबाइल की नशा हो जाएगी और तब आपको उसके बिना चैन नहीं आएगा। इसलिए मतलब हर एक पहलुओं को देखना है। ये सब क्या है, ये हमारे मोबाइल के या इंटरनेट के ये सब मिसयूजेज हैं। हमको केवल इसका प्रयोग, और मिसयूजेज जो भी है वो क्या है कि हम उसको मालिक बना बैठे, उसके बिना हमारा काम रुक जाता है, उसके बिना काम नहीं रुकना है। जैसे मोटरसाइकिल विज्ञान ने बनाया, मोटरसाइकिल कार बस वगैरह सब बनाया, आज हम उसके अधीन हो गए हैं, यही बुराई है। गाड़ी नहीं, हम पैदल नहीं जा सकते। अरे हम आज आपको गाड़ी है, दादा वगैरह के जमाने में पूछो आप जाके तो लोग पैदल रावणसन चले जाते थे, साइकिल से रावणसन जाते थे, घोड़े हुआ करते थे पहले, किसी के पास घोड़ा नहीं तो क्या पैदल नहीं जाएगा, पैदल जाया करते थे। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की यात्रा करके वो गए और आ गए लेके अपना सामान। हाँ ये था कि रोज नहीं जाते थे, एक दिन आए तो 4-6 दिन उनको फिर से रेडी होने में लगेगा, शरीर को बनाने में भाई शरीर को मेंटेन करने में लगेगा, थके हैं तो थकान दूर करेंगे। तो जाने के लिए प्लानिंग होती थी कि 15 दिन 20 दिन महीने में एक आध बार जाना है, नहीं जाना है 2 महीने 4 महीने में एक आध बार जाना है। और आज क्या है कि दिन भर में 4 राउंड जाना है,
क्या मतलब है? उसमें एक ही राउंड में आपका काम हो सकता है, लेकिन आप चार राउंड जा रहे हैं, मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे आपका वातावरण प्रभावित हो रहा है, बहुत सारी चीजें दिक्कत है उसको, ये दूर तक समझे। इसीलिए उसका उतना ही प्रयोग किया जाए जितना उसकी जरूरत हो, तब तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। यदि हम एक्सेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारे लिए विनाशकारी हो जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। इसलिए हमें हर एक चीज की एक लिमिटेशन बनाकर रखनी चाहिए। यदि हम किसी भी चीज का प्रयोग लिमिट में करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और जब हम उसका प्रयोग अनलिमिटेड या बिना सोचे समझे या बिना किसी जो है प्रयोग के यदि हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए विनाशकारी हो जाता है या हानिकारक हो जाता है, ये हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है।